मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र बात यहां तक आ गई कि प्रतिमा जी सोनगढ़ में पधार चुकी थी। प्रतिमा जी के प्रति दोनों बहन श्री की भक्ति कितनी थी ये अपन ने सुन ली। दोनों बहनों को के प्रसंग में कुछ प्रसंग मुझे याद आते हैं, वो भी 2 मिनट में सुनाना चाहते हैं। जिस समय पाकिस्तान में कराची में चंपाबेन रह रहे थे, 14 वर्ष की उम्र तक वे वहां रहे, तब 13वें 14वें वर्ष में अंतिम 13वें 14वें वर्ष में उन्होंने वहां पर कसीदाकारी सीखी। कसीदाकारी कढ़ाई करते हैं, धागे से बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं धागे से डिजाइन का। तो अभी जब मैं सोनगढ़ गया था पिछले वर्ष, तो बहनश्री के कक्ष में जब हम गए तो वहां उनकी जो भांजी हैं कंचन बहन, उन्होंने वो 13-14 वर्ष की उम्र का हमको वो कसीदाकारी की कढ़ाई दिखाई कि उस जमाने में तो बहनश्री को दिगंबर का पता भी नहीं था, मंदिर का भी पता नहीं, भगवान का भी पता नहीं था, लेकिन जो कढ़ाई दिखाई उसमें बीचों बीच जिनेन भगवान विराजमान है, दोनों साइड 2 इंद्र चवर ढोरा रहे हैं और उन इंद्र के नीचे हाथी बने हुए हैं। ऐसा मैंने सुंदर चित्राम धागे से बुना हुआ वो उन्होंने दिखाया। शायद उसी बालपन में उन्होंने एक कांच का मंदिर बनाया था, छोटे छोटे कांच की शीशियां इकट्ठे करके, और एक प्लास्टिक की मूर्ति रख के मंदिर बनाया था उस जमाने में। ये 2 चीजें हमें देखने को मिली वहां सोनगढ़ में पिछले वर्ष। इससे मालूम पड़ता है कि बहन श्री को अंतर से देव सास गुरु के प्रति आपो आप कितनी भक्ति कितनी अर्पणता रही होगी। यानी नेचुरल ऐसा एक नियोग बना कि ऐसे बनाने में भी आया उनको। एक प्रसंग और याद आता है कि चंपा बहन श्री को तो पहले ही सम्यक दर्शन हो गया था, तो शांता बहन को बहुत तड़प लगती थी कि हमको आत्मानुभूति कैसे हो गया। दोनों बहनें साथ साथ रहने लगे थे, साथ साथ भोजन बनाते, साथ साथ प्रेम से रहते थे बिल्कुल, लेकिन जब भी चर्चा होवे तो यही होवे कि हमें आत्मानुभव कैसे होवे। तो शांता बहन बताते थे कि चंपा बहन हमको बार बार ये दाखला देते थे स्फटिक मणि का, जैम स्फटिक मणि के नीचे डाक लगाओ फूल की, लाल फूल हरा फूल, तो पूरी की पूरी स्फटिक मणि लाल दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, लेकिन स्फटिक मणि तो कभी हरी लाल नीली होती ही नहीं है, होती नहीं है। ऐसे ही तुम जब ध्यान करने बैठो शांति से बैठो तो मोह राग द्वेष की जो ललामी है वो मेरी नहीं है, जिसको अपन काला पर्दा और दर्पण कहकर के समझाते रहे हैं, वो दर्पण में काला पर्दा दिखाई दे रहा है, वो दर्पण का कालापन नहीं है। ऐसे जो मोह राग द्वेष परिणाम है, आश्रव का परिणाम है, वो आत्मा की चीज नहीं है, ऐसा देखो। तो वो ऐसे बारंबार बताने पर, बारंबार संबोधन करने पर, समझाने पर आखिरकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो पूरे जीवन उन्होंने उसका एहसान माना कि उनकी प्रेरणा से, उनके दृष्टांत देने से, उनके समझाने से मेरे काम की प्राप्ति हुई। एक बात चंपा बहन श्री शांता बहन को अक्सर कहते थे, दोनों बहनों का पूर्व भव का नियोग इस भव में भी मिलना हुआ, एक बात बहुत कहते थे जो मुझे याद आती है कि जब भी कोई बात होवे चंपा बहन या सोचते होवे और शांता बहन वही काम करते होवे, जो जो यहां सोचे ने कि आज तो मूंग की दाल बनानी है तो शांता बहन अपने आप मूंग की दाल बना रही है। उनको ऐसा लगे कि आज तो अपने को मंदिर में जाके भक्ति करनी है, माने वो जिनवाणी की सेवा करनी है, भैया वृत्ति करनी है,
तो शांता बहन पहले ही सारा सामान लेके पहुंच जाएंगी, अब अपने को जिनवाणी की वैयावृत्ति करनी है। माने ये बात वो बोलती थी कि मेरे मेरा परिणाम होता है और तुम्हारे में परिणमन थी जाता है, क्या कहना चाहिए, हो जाता है, मेरा परिणाम होता है तुमको मैं परिणमन हो जाता है। गुरुदेव श्री भी दोनों का प्रेम अर्पणता देख देख करके बहुत एक बात कहा करते थे, ये ऐसा लगता है मानो दो सगी बहन से भी बढ़ गए हों, ऐसा लगता है मानो दो शरीर हैं एक आत्मा है, इतना प्रेम दोनों के बीच। ये बताना क्या है, अभी यही बातें आगे जाके और काम आने वाली हैं, इसलिए ये प्रसंग आपको सुनाए। बहन श्री के परिचय जब आपको दिया था जाति स्मरण के समय, तब उनका मैंने संबत बता दिया था, सन भी बताया था, लेकिन डेट नहीं बताई थी उस जमाने की, वो डेट भी बताना चाहते हैं। 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914 शनिवार के दिन चंपा बहन श्री का जन्म हुआ था। मैंने चूंकि जानकारी देनी है इसलिए दी है, और अभी आने वाली 17 अगस्त के दिन बहन श्री का जन्मदिन आ रहा है। कल का दिन भी बहुत पवित्र है, हमारी कहानी की कड़ी में तो थोड़ा समय लगेगा बाबू भाई जी को आने में, लेकिन कल बाबू भाई जी का भी जन्मदिन है। ये वह महापुरुष है जो गुजरात का राजा कहा जाता था, जिसने हजारों लोगों को गुरुदेव श्री से जोड़ा था, जो स्वयं बीसपंथी होते हुए भी सारा कन्वर्सन करके नए मंदिर की रचना करना फतेहपुर में और जगह जगह हिम्मतनगर वगैरह में, यदि 13 पंथ सुद्दामनाय का प्रचार करने में आज किसी का योगदान है गुजरात में, तो वे बाबू भाई जी हैं। ये कोई महापुरुष, ये भी इन्होंने अपना जीवन तन मन धन अर्पण कर दिया, बिल्कुल गुरुदेव श्री की भावना थी जब 2013 में समय शिखर जी की वंदना करके आए और जगह जगह तीर्थ यात्रा में तीर्थों की अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दी, तो गुरुदेव श्री को ऐसी भावना आएगी तीर्थों की रक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो रामजी भाई वगैरह सबने फैसला किया कि ठीक है, एक तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे, उसमें से 25 लाख रुपया परिवर्तित दिगंबर जैन देंगे और बाकी दिगंबर देंगे। ये ऐसा विचार किया और संकल्प उठा करके गुरुदेव श्री की भावना पूरी करने के लिए पूरे देश में घूम करके आखिरकार बाबू भाई जी वह हस्ती हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया उस जमाने में इकट्ठा किया था। उस जमाने में, हो अभी तो 1 करोड़ की क्या बात है। कहने का मतलब यह है हमें ऐसी कहानी के पात्र मिल रहे हैं जिनके बिना हमारी कहानी अधूरी है, लेकिन कल उनका दिन आया इसलिए मैंने उनको भी स्मरण किया है यहां पर। अभी कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में आए और स्वाध्याय मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय हमको लग रहा होगा कि गुरुदेव श्री बड़े प्रसन्न होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि गुरुदेव श्री खुश हो गए होंगे कि देखो मेरे लिए जोरदार बिल्डिंग बन गई, हाल बन गया, अब मैं आराम से रहूंगा निश्चिंत जिंदगी भर। ये नहीं था। गुरुदेव श्री का चेहरा सबसे ज्यादा उदास और नीचा मुख। गुरुदेव श्री ने बोला तुम्हें स्वाध्याय मंदिर बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो मत बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रतिबंध में नहीं रहूंगा। यदि मेरा राग टूट गया तो मैंने जो दिगंबर मार्ग अपनाया वो तो जंगल में जाने का मार्ग है, अटकने का मार्ग नहीं है। तुम ये सोचो कि स्वाध्याय मंदिर बन गया तो मैं जिंदगी भर यहां रहूंगा आपकी व्यवस्था में, मैं प्रवचन करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कब कहिए मां? स्वाध्याय मंदिर बनने के खात मुहूर्त के समय। तुम बनाओ तो पहले सोच लो मैं प्रतिबद्ध नहीं रहूंगा, मैंने दिगंबर जिन शासन अपनाया है, मेरा राग टूट गया तो मैं आराधना करने के लिए जंगल में चला जाऊंगा, बंधूंगा नहीं। और उद्घाटन के दिन भी ये बात उन्होंने बता दी कि आप ये समझ लेना मेरे जाने के बाद आपकी संस्था का क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां पर सच्ची बात बताऊं तो हमें कहते तो हैं कि चौथा गुण स्थान था, लेकिन लक्षण कोई छठे सातवें जैसे थे। क्या? क्योंकि अनुदिष्ट आवास, अनुदिष्ट बसतिका, ये दिगंबर मुनिराजों को पाई जाती है दिगंबर जैन शासन में। पूज्य गुरुदेव श्री
साधु पद छोड़कर आए थे तो उनके संस्कार में यह बात तो थी कि अनुदिष्ट होना चाहिए। भले ही वो बाहर तरीके में दिगंबर नहीं हो सके, साधु नहीं बन सके, लेकिन अंतर में भावना परिणति इस बात की थी कि हमारे उद्देश्य से कोई काम नहीं होना चाहिए। और आज हम जानते हैं जो लोग गुरुदेव श्री के परिचय में रहे उन्होंने पूरे जीवन कौन ग्रंथ छपाओ, कौन मंदिर बनाओ, कौन सा करो के मत करो, क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा दान में आता है, कौन सेठ दान में देता है नहीं देता है, एक दिन भी इंटरेस्ट नहीं लिया। ये पद्धति, हालांकि ये बाद में बताऊंगा, ये तो अनुदिष्ट की चर्चा है इसलिए बताइए अभी। गुरुदेव श्री को तो इतना भाव आता था, अरे ये समय सार तो सबके हाथों में होना चाहिए, हमारे पास एक ग्रंथ है, इतने लोग खाली हाथ बैठे हैं, तुम्हें छूने का अवसर कब मिलेगा, तुम्हें आंखों से अमृत पीने का अवसर कब मिलेगा, इतना बोल के छुट्टी। राम जी भाई समझ गए कि ये साथ छपना चाहिए, ये साथ छपना चाहिए। अब छपना चाहिए पैसा थोड़े से मुट्ठी भर लोग, पैसा कहां से आवे। अभी गुरुदेव श्री ने तो बोल दिया, बीच बीच में गुरुदेव श्री को नींद भी नहीं आवेगी, ये शास्त्र कब आवेगा हाथ में। तो 3-4 दिन जब गुरुदेव श्री को बराबर नींद नहीं आई और पाठ पर बैठते ही प्रवचन करते समय उनकी चेहरे की उदासीनता देखी तो बहन श्री को ऐसा लगा, शांता बहन चंपा बहन को, कि गुरुदेव श्री को कोई तबियत खराब है, क्या बात है, बराबर क्यों नहीं दिखते हैं, गुरुदेव का प्रमोद क्यों नहीं दिखता है। तो रामजी भाई वगैरह जो चंदू भाई तो समय नहीं थे और जो थे उनको पूछा, बात क्या है। तो बोले गुरुदेव श्री को नींद बरोबर नहीं आती है, समय सार जी सबके हाथ में आवे, ऐसा उनका भाव। अरे तुमने हमको पहला क्यों नहीं बोला, 4 दिन नींद नहीं आवी, अरे गुरुदेव का विकल्प हमको तत्काल पूरा करना चाहिए। और तत्काल उन्होंने उसी दोपहर में मीटिंग बुलाई सबकी, सभी बहनों को बुलाया, गांव में जितनी बहनें उनको बुलाया, जो जो परिचित सबको बुलाया, और उन्होंने अपनी बंगड़ी उतार के दे दी, 575 रुपया और जो जो जिस जिसके 5 रुपया उस समय जोड़ा था वो सब दे दिया, और सबने भेला करके वो पूरा पैसा इकट्ठा करके रामजी भाई को दिया कि अब तुम गुरुदेव श्री को निश्चिंत करो, जाओ। इस समय सारजी भाई साहब आपके हाथों में कैसे आए हैं, इसकी तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और समय आ रहा है, मैं अभी सुनाऊंगा कहानी में, 1999 संबत में हिम्मत भाई जी ने इसका गुजराती अनुवाद पूरा किया, 1999 संबत में, उसके बाद ये छपने में आया। गुरुदेव श्री की भक्ति जिन शासन के प्रति, देश राज गुरु के प्रति, और बहनों की भक्ति कोई अद्भुत ही थी। मैं इसलिए बता रहा हूं, अरे रे एक बार हमारे खाने में कम पड़ जाए, कपड़े में कम पड़ जाए, दुनिया में कम पड़ जाए, लेकिन देश राज गुरु की भक्ति में तो बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये कहानी से ये आपको शिक्षा देने जैसी बात है। खैर, इस तरह से अभी और देखो क्या कहा, तो गुरुदेव श्री अनुदिष्ट के प्रति संलग्न रहे, उनने प्रसन्नता नहीं जताई। चलो, प्रतिमा जी आ गई थी कल तक, प्रतिमा जी आने के बाद ये प्रतिमा जी स्वाध्याय मंदिर में विराजमान की गई, माने रख दी गई स्वाध्याय मंदिर में, तीनों प्रतिमाएं। अभी गुरुदेव श्री को इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, बगल में कमरा, बगल में प्रतिमा जी। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक गुरुदेव श्री तो 24 घंटा फ्री, क्या स्वाध्याय करें और क्या चुपचाप आकर के भगवान की प्रतिमा के सामने आकर बैठ जावे, ऐसे ऐसे निहारे, ऐसे बार बार, और कोई मिलने आ जावे बीच में तो हाथ पकड़ के लावे, हाथ पकड़ के, देखो हमारे भगवान आए, देखो हमारे भगवान आए, देखो देखो ऐसे, और एक एक प्रतिमा खोल खोल के दिखावे, एक एक प्रतिमा ऐसे खोल खोल के दिखावे, देखो देखो हमारे भगवान आए, हैं? अमी भरी मूर्ति उपमाना सोहे कोई, हैं? सीमंदर भगवान को आज मैंने अपने आंखों से देखा, इसका हिंदी अनुवाद है, मेरे लोचन ने आज सीमंदर भगवान को देखा, ऐसे वो गुजराती में है, गुरुदेव बहुत गाते थे, मैं उसकी हिंदी में भाव बताता हूं, आज मैंने अपने नयनों से अपने लोचन से सीमंदर भगवान को देखा। कैसे सीमंदर भगवान, अमृत भरी मूर्ति,
अमी भरी मूर्ति उपमा न सोहे कोई, कोई उपमा नहीं सोवती है ऐसे अमृत से भरी हुई मूर्ति। कोई आवे लाके दिखावे, आके बैठ जावे, घंटों बैठे देखें निहारें। अब यही भावना है कि पंच कल्याण कब होते हैं। पंच कल्याण करने के लिए कल आपको बता दिया था, चैन सुखदास जी से बात पूछी। चैन सुखदास जी ने दक्षिण प्रांत में, अभी दक्षिण प्रांत में 13 पंथामनाएं नहीं है, लेकिन उन्होंने जिनको सबसे सजेस्ट किया उन्हें तो पता नहीं कि 13 पंथ 20 पंथ, गुरुदेव को तो कुछ खबर नहीं, बैंस जी को भी खबर नहीं। उन्होंने बोला हम प्रतिष्ठाचार भेज देंगे आपके यहां। तो प्रतिष्ठाचार के नाम पर प्रतिष्ठाचार्य के नाम पर दक्षिण प्रांत के रामचंद्र शास्त्री उनको भेजा। एक महीना पहले, पंच कल्याणक के एक महीना पहले वो आए सोनगढ़ में। अब सोनगढ़ में कोई समाज तो है नहीं, कार्यकर्ता कहां से आवे? कार्यकर्ता उस जमाने में टेंट हाउस की व्यवस्था नहीं थी। टेंट हाउस तो अभी अभी आए आपके 10-20 सालों में, उस जमाने में टेंट हाउस की व्यवस्था नहीं, 1,500 लोगों के आने का प्रबंध। काम करने वाला रामजी भाई, हरगोविंद भाई, हरिभाई भायानी, 3-4 पुरुषों में चुन्नीलाल भाई, ओजम बहन और ये दोनों बहन श्री और गुरुदेव श्री। तो गुरुदेव श्री तो एक तरह से साधु तरीके, भक्ति कर सकते हैं, महिमा करा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। अब वे क्या करें, केवल 5-7 मेंबर, इनमें भी इनको बाहर का काम देखना है पुरुषों को, लेकिन लोकल का आपको विश्वास नहीं होगा। ये दोनों बहन श्री ने 24 घंटे में अपनी स्वाध्याय तक छोड़कर, स्वाध्याय भी छोड़नी पड़े तो स्वाध्याय छोड़ करके भी दिन रात, क्यों? क्योंकि उस समय जैसे पांच वेदियां बनानी पड़ी, समोसरण, अब आज जैसा समोसरण रेडीमेड नहीं मिलता था उस जमाने में, महीना भर में समोसरण की रचना तैयार की गई। गांव से सुतार, वो क्या कहलाते हैं, बढ़ई, कारपेंटर और कपड़ा सीने वाला दर्जी, ऐसे छोटे छोटे लोग इकट्ठे किए गए। जितने भगवान की प्रतिष्ठा होनी थी उन भगवान के कपड़े सिलने पूरे, राजसी वेशभूषा, क्योंकि जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, फिर वो होगा ना सारा दीक्षा आदि, तो पूरे कपड़े ड्रेस और पूरी सिलने, कपड़ा लाना सिलना, मुकुट बनाना, मुकुट भी वहीं बनाना, 5 वेदियां तैयार करी 5 कल्याणक करने के लिए, पांडाल बनाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी, मंच बनाना पड़े, झंडियां सीनी पड़ी, छोटा छोटा। अभी समोसरण में, समोसरण में मंदिर बनाने पड़ते हैं, वापिका बनानी पड़ती है। तो वो रामचंद्र जी ने एक महीना सामने रह करके पूरी सिलाई करवाना, पूरे छोटे छोटे लकड़ी के कटका करके उनके मंदिर बनाना, उनके ऊपर ध्वजा बनाना, ध्वजाएं सिलना। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काम। और बहन श्री तो दिन रात, बस रामचंद्र शास्त्री तो एक जगह बैठ जावे, कपड़ा लाओ, लकड़ी लाओ, चाकू लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, कटका लाओ, जो कम पड़े तो बोले वो क्या करे। तो बहन श्री उन्हें ये सब नहीं, इतना चावल लाओ, चोखा लाओ, ऐसी सामग्री लाओ। अब कौन बीने चोखा, कौन बीने? पूजा में सामग्री लगे कि नहीं लगे, विधान में कौन करें? आपको विश्वास नहीं होगा, दोनों बहन श्री ने चोखा ठीक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये क्या गोला की गरी कर रहे हैं, चिटक नैवेद्य बनाना है, कितना काम। अब ये तो मैं आपको उस दिन के दृश्य दिखा रहा हूं, इस तरह से ये सब लोगों ने मिलकर के ये काम किया उस जमाने में। आप आज जैसा रेडीमेड नहीं है कि ऑर्डर करो ना काम हो जाए, कार्यकर्ता कोई है नहीं भाई, 2-4 महीने मिल मिला के 5-7 और पूरा पंच कल्याण की व्यवस्था। और रामचंद्र शास्त्री ने दिन भर लगे, खूब मेहनत की रामचंद्र शास्त्री ने, बहन श्री उनकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी बहन श्री बताते थे कि जब एक महीने बाद पंच कल्याणक हो गया तो उससे चलते नहीं बने, लंगड़ाने लगा, इतनी मेहनत है, रात दिन मेहनत। बोलो।
इतने इतने परिश्रम से, इतनी भक्ति से, इतने उत्साह से पहला पंच कल्याणक हुआ सीमंदर भगवान का, है ना। इस तरह से बहुत तैयारी हुई। प्रतिष्ठा के फागुन सुदी दूज 1997 28 फरवरी 1941 शुक्रवार के दिन ये पहली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, फरवरी के महीने में 28 फरवरी 1941 शुक्रवार के दिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा खूब धूमधाम से संपन्न हुई। 1500 लोग आए। भारत में लगभग सीमंदर भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा तब से बहुलता से हुई। थी तो पहले भी थी, तो कहीं 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 थी, लेकिन अब तो पुण्य का कुछ ऐसा प्रवाह बहा गुरुदेव श्री के प्रताप से कि जहां नाम सुनने मिले तो सीमंदर जिनालय, सीमंदर भगवान का मंदिर, जहां जहां देखो वहीं परमागम मंदिर, ऐसे ऐसे नाम ही बदल गए और सीमंदर भगवान की प्रतिष्ठा जगह जगह होने लगी, है ना। पहले भी होती थी, हालांकि पहले भी होती थी, क्यों कह रहा हूं मैं बार बार कि मालूम है, अभी तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब दिगंबरों को मालूम पड़ा कि सीमंदर 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 भगवान, जब 213 के लगभग, तब सीमंदर भगवान का विरोध होने लगा। कहां तो दिगंबरों की पूजा की किताबों में सीमंदर भगवान की पूजा लिखी थी, विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा लिखी थी, सब ठाट से करते थे, पढ़ते थे सब बात। बयाना में 515-17 वर्ष पहले की प्रतिमा सीमंदर भगवान की, और जगह भी थी, तीन काल की जहां 24 है ना, वो क्या नाम है, विदेश सहित 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर वहां विराजमान थी पहले से, लेकिन तब तक विरोध नहीं हुआ। गुरुदेव ने बनाई तो विरोध शुरू हो गया। एक है विदेशी भगवान है, विदेशी भगवान ये विदेशी भगवान की भरत क्षेत्र में क्या जरूरत है, माने मान नहीं तैयार नहीं हुए। लेकिन ये विरोध बहुत लेट हुआ, अभी लेट अभी नहीं हुआ ये विरोध, अभी तो अपन ये चर्चा करते हैं। दोनों बहनों ने बहुत भक्ति पूर्वक खूब व्यवस्था की और इस तरह से ये पहला पंच कल्याणक संपन्न हुआ। अभी अभी और काम क्या था गुरुदेव श्री के पास, बहन श्री के पास, बताने जैसी बात है। उस समय बहन श्री अपने हाथों से प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू पोछा करते, झाड़ू पोछा, क्या समाज तो है ही नहीं ना, वहां कार्यकर्ता तो है ही नहीं ना, और आदमी किसको रखे अभी अभी। ये बात तो बाद तक कह रहे हैं, बाद तक भक्ति होने के बाद प्रतिदिन बहन श्री मंदिर का चक्कर लगाते थे, कपड़ा मेला पड़ा हो तो अपने हाथों से धोते थे, जैसे भगवान के प्रक्षाल का कपड़ा मेला हो जाए तो अपने हाथों से धोवे, चौखा बराबर है कि नहीं, सामग्री बराबर है कि नहीं, कहीं जाला तो नहीं पड़ गया है, सफाई करना है कि नहीं, मंदिर के बर्तन बराबर मचते हैं कि नहीं, सब देखना और करना। उस जमाने में कितनी भक्ति दोनों बहन अपने हाथों से करती थी। अभी तो आपको बताऊंगा, बहन सिंह ने जो और गांव के पंच कल्याण कराते थे कैसे कराते थे, ये जो लाठी वाले यहां उपस्थित थे उनको भी उनको याद आ जाएगी वो बातें जो बहन सिंह ने बताई होंगी, बिछिया वालों को याद आ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा, अभी आने दो, अभी बिछिया का पंच कल्याण आएगा तब बताऊंगा। अभी तो ऐसी खूब भक्ति जोरदार, अपने हाथों से व्यवस्था करें, सफाई करें। ए सभी लोग ध्यान से सुनो, जिन महापुरुषों को तुम इतनी भक्ति से याद करते हो और आज हमें भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं आए, मंदिर में जाले लग जावे, जिनवाणी के पाने फट जावे, बैंसरी का पाना फटा हो तो दिखाओ। गुरुदेव श्री की पद्धति थी ना, हाथ से नहीं खोलना पसीना लगेगा, तो लाकड़ी रखते थे पतली, तो ऐसे बैंसरी रखते थे। अभी अपन लोग कैसे खोलते हैं बताई देता हूं, सभी लोगों को देखते हैं हम, ऐसे 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 नहीं खोलते, ऐसे खोलना चाहिए ऐसे, एक पन्ना का कोना मुड़ा कैसे, मुड़ा कैसे, फटी कैसे, जिनवाणी फट कैसे गई, ये जिल्द फट कैसे गई, कल सुबह बताऊंगा आपको, कल सुबह, कल रक्षाबंधन है ना, कल सुबह हम आपको कहानी सुनाएंगे। जिनवाणी का ये कोना फटने का मतलब है, यदि तुम्हारे घर में जिनवाणी फटी हो, उसकी जिल्द फटी हो, उसका कवर फटा हो, तो उसका पाप का बंद ऐसा होगा कि तुम्हें साबुत कपड़ा पहनने नहीं मिलेंगे, तुम्हें अभी फटे कपड़े में गुजारा करना पड़ेगा, इतना पाप का बंद होता है। करना नहीं उससे, ध्यान से सुनना, तुम सोचोगे गरीब लोग ही कपड़े फटे पहनते हैं, ऐसा नहीं है, अमीर लोगों के भाग में भी फटे कपड़े हैं आजकल, किस्मत ही ऐसी है ना,
सावत जींस आए तो फाड़ के पहने, रगड़ रगड़ के पहने, रगड़ रगड़ के पहने और इतना लंबा पैंट कि टकरा टकरा के नीचे का फट जाएगा। हमारे जमाने में तो कोई जरा फटा कपड़ा पहने तो ऐसे क्या लोग क्या कहेंगे, अपन कोई गरीब है असमर्थ है, लोग क्या कहेंगे ऐसे कपड़े नहीं पहनना अपने को। अब तो फैसा नहीं हो गई। खैर मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिनवाणी की संभाल नहीं करी तो फटे कपड़े पहनने का पुण्य का उदय आया। अपनी जिनवाणी हो, पूरे कवर हो, बराबर फटी नहीं हो, कोना नहीं मुड़ना चाहिए। बच्चों को शिक्षा दो बेटा, थूक लगा के नहीं खोलना, ऐसे नहीं खोलना, ऐसे खोलो, ऐसे ऐसे पन्ना ऐसे खोलना, ऐसे देखो आप बहन श्री की जिनवाणी देखो, आप भक्ति देखो उनकी, उनकी जिल्द देखो आप, सच्ची बात बताएं, ये जिल्द कराने का तरीका ही गुरुदेव श्री ने सिखाया। पूरे हिंदुस्तान में कपड़े की ऐसी सुंदर सुंदर जिल्दे बनवाने की परंपरा ही गुरुदेव श्री से चली, बहन श्री से चली। बहन श्री ने अपने हाथों से चढ़ा करके काड़े हैं, देखना चंपा बहन श्री के कक्ष में। कहने का मतलब क्या है कि ये हमें जब अंदर से केवल भगवान आत्मा की बात नहीं है, देश सहस गुरु के प्रति भक्ति भी इतनी आती थी। खैर आगे चलते हैं, इस तरह से अभी करें क्या, पंच कल्याणक तो हो गए, समस्या आ गई फिर से, करें क्या, पूजा विधि जाने नहीं, पूजा की किताब नहीं, अभी बिल्कुल नया नया एस्टेब्लिशमेंट, पूजा की किताब नहीं, पूजा की खबर नहीं, प्रक्षाल की खबर नहीं, करें तो करें क्या। तो पाली ताणा देखो गुरुदेव श्री ने आकर लगाई, पाली ताणा भेज करके, वो भी मंदिर का पुजारी था ऊपर के मंदिर पर, पाली ताणा के सबसे ऊपर के मंदिर पे, वो पुजारी को बुलाया वहां से, और 15 दिन तक गुरुदेव श्री और बहन श्री ने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग और तो कोई था ही नहीं, रामजी भाई तो वकील थे, चले जाते थे वो तो कभी कभी आ पाते थे, हरिभाई भायानी भी आखिर अपना परिवार है उनका, उनको भी व्यवस्था में जाना पड़े, हरगोविंद भाई तो वैष्णव से लेकिन उनको भी कितना समय मिले, अब करे कौन, गिने चुने 2-4 मेंबर, 5 मेंबर, कभी 2-4 सुनने वाले आ जाए, 10-25 सुनने वाले आ जाए, 10-50 लोग आए उन्हें भी थानकवासी से आए तो उन्हें भी खबर नहीं कि भगवान को कैसे अड़े, भगवान का प्रक्षाल कैसे करें, खबर नहीं। तो 15 दिन तक गुरुदेव श्री और बहन श्री ने ट्रेनिंग ली, तो वो 20 पंथी था, 20 पंथी था, तो वो बहन श्री को बोले आप अभिषेक करो, तो अभिषेक करावे उनसे, तो एक आध दिन तो कर लिया, लेकिन गुरुदेव को चैन नहीं पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो तत्वार सूत्र वगैरह बाचे ना गुरुदेव श्री ने, तो वहां तो ब्रह्मचर्य के 18,000 सील के दोष आते हैं, 18,000 सील के दोष आते हैं, तो काष्ठ की पुतली हो, पाषाण की प्रतिमा हो, चित्र नग्न हो, चित्र कागज का चित्र हो, कोई नग्न प्रतिमा, नग्न पुतली, नग्न चित्र, ये तो विरोधी को छूना ही नहीं चाहिए, जैसे ब्रह्मचारी पुरुष है तो स्त्री का नग्न फोटो हाथ में रखे तो कैसा लगे, नग्न गुड़िया हाथ में रखे तो कैसा लगे, ये तो सील का दोष है। तो गुरुदेव श्री को चैन नहीं पड़े, वो सिखा के वो चला गया, ठीक है ठीक है ठीक है, सीख गए हम, सीख गए, जाओ जाओ। अभी देखो अंदर से अपने आप आया गुरुदेव को, अभी गुरुदेव को 13 पंथ सुदामना मिला नहीं, पंडित आया वो 20 पंथी आया शास्त्री, और इधर पालीताना से आया वो भी 20 पंथी, परंपरा वो ही सिखाने की कोशिश, केला चढ़ाओ, सेव फल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप जलाओ, आरती उतारो, पूरी विधि सिखा दी उसने सब, और सोनगढ़ में बहुत वर्षों तक चलती रही बहुत दिनों तक अभी। लेकिन गुरुदेव को तो चैन नहीं पड़े, तो गुरुदेव श्री ने रामजी भाई को बोला, विचार किया, विमर्श किया, ये क्या किए, बोलो क्या होता है, बहनों को तो प्रक्षाल करना ही नहीं चाहिए, तो बहनों का प्रक्षाल तो उन्होंने करने नहीं दिया, तो अब कोई बचा ही नहीं जेंट्स में, तो गुरुदेव स्वयं, गुरुदेव श्री स्वयं, प्रतिदिन नदी का पानी आता था, कुआ नहीं था, बावड़ी नहीं थी, नदी से पानी लाना, छानना, प्रासुक करना और फिर श्री जी का अभिषेक करना, ऐसा गुरुदेव ने अपने हाथों किया। बोला मैं कोई है ही नहीं करेगा, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो गई, हो गया काम बस खत्म, सेठों ने पैसा दिया मंदिर बन गया बात खत्म,
प्रतिमा आ गई, बात खत्म नहीं। मंदिर बनाना सरल है, प्रतिमा विराजना सरल है, परंतु उनकी आसाधना नहीं हो जावे, उनकी विनय रह जावे और चलती रहे परंपरा, कितनी चिंता। बोलो, एक गुरुदेव श्री ने सीखा, बहनों ने सीखा। अब और समस्या आई कि पूजाएं जो दी वो ध्यानत राय जी की थी, और ध्यानत राय जी की हिंदी तो गुजरातियों को समझना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो तो पूजा की भाषा ही अलग है ना, समझ में नहीं आवे एकदम सीधे सीधे। सुरपति उरग नर नाथ तीन कर बंदनी कसुपद प्रभा, क्या अर्थ हुआ भैया? घेबर बर्फी गूजा पेड़ा, और गेंदा के फूल फला के फूल, हेलाओ बोलाओ। अब बहन श्री बोले आम अध्यात्म न थी, कहीं मजा आओ तो न थी। समझ में भी नहीं आवे। अब गुजराती था नकवासी, उस जमाने में पूजा लिखी जो अभी जिनेन्द्र रचना में छपी हुई है, इधर जो तुम्हारे देवलाली से छपी है और सोनगढ़ से भी छपी, उसमें भी है सनमार्गी, क्या है? हाँ, सनमार्गदर्शी, बहुत बड़ी पूजा, बोधिदाता, वही ना पूरा देश आज गुरु, मेरे ख्याल से 5-7 पेज की पूजा है, बहुत बड़ी। उसमें आत्मसिद्धि के पद, अपूर्व अवसर के पद और समय सार जी की गाथाएं, ये तीनों जोड़ करके पूजा लिखी, और इतनी सरस पूजा लिखी कि अब सब लोग बैठ करके बड़े भक्ति से पूजा करें। देखो, आपको असल में अंतरंग दृश्य शायद किसी ने देखे नहीं होंगे, ये अंतरंग में क्या गुरुदेव ना क्या बहनसी ना कैसे एक एक इंच एक एक दिन मंदिर का कैसे विकास हुआ। तो अभी गुरुदेव श्री को कंटाला नहीं, तो अभी बहन श्री को कंटाला नहीं, गुरुदेव श्री और बहन श्री को ऐसा भाव आया कि समोसरण बनाया जाए। देखो, कहां तो गिनती के लोग गिने चुने और भाव क्या आ रहा है, भक्ति समझ सकते हो? भक्ति नहीं आई समझ में? अभी आपको समझ लो, आप 5 लोग हों केवल एक नगर में, चलो आप जैसे जैसे मंदिर खड़ा कर लो, लेकिन प्रक्षाल कौन करे, पूजा कौन करे, पानी कौन लावे, द्रव कौन सोधे? नदी से पानी आता था, और नदी से बाद में तो गुरुदेव श्री की जो वो थी ना भीखू भाई की मिसेज तारा बहन, वो पानी भर भर के लाती थी नदी से, वो पानी से भर भर के लाती थी वहां से। इतनी भक्ति तारा बहन को, इतनी भक्ति मंदिर के लिए, जितनी जरूरत पड़े द्रव धोने के लिए, ये करने के लिए पानी देके आगे। बोला, बहुत वर्षों तक पानी लाए वो। कहने का मतलब क्या है, अंतरंग की भक्ति के बिना काम नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी आप लोगों में से गिने चुने भक्ति करने वाले हो, पूजा प्रक्षाल करने वाले हो, मंदिर बनाने से पहले इसकी तैयारी कर लो कि हमें और हमारे बच्चों को। नहीं समझ आई? समझ आ रही कुछ नहीं? हमें तो ऐसा लगता पंडित जी मंदिर बना देंगे और फिर एक रख देंगे पैड पुजारी, ऐसा नहीं भाई। हम इसलिए आपको गुरुदेव श्री का पूरा जीवन चरित बता रहे हैं। पूजा लिखी, फिर बढ़िया जोर शोर से पूजा होने लगी। इस तरह से अब रुकने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अपने को आगे भी बढ़ना है, टाइम कम बात ज्यादा है। इस तरह से बहुत सुंदर पूजा लिखी, और इसी समय से समोसरण मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई, बनने लगा, और समोसरण मंदिर का शिलान्यास नवनीत लाल भाई झवेरी के द्वारा हुआ। समोसरण मंदिर बनाने का काम लिया नारायण दास भाई, चंदूलाल भाई, शिवलाल बडवाण वालों ने, इन्होंने इसको बनाया। सोनगढ़ के संस्थापक ट्रस्टी, अब उसी समय ट्रस्टी की स्थापना करने की भावनाएं हुई, तो सोनगढ़ के संस्थापक ट्रस्टी बने प्रेमचंद मगनलाल भाई उस जमाने में। और इस तरह से इसी समय से दोनों पर्युषण साथ साथ मनाए जाने लगे, क्योंकि दिगंबर मंदिर हो गया तो दिगंबर पर्युषण भी शुरू हो गया, और जो थानकवासी गुरुदेव के से प्रभावित होकर आते थे लेकिन दिगंबर नहीं हुए थे, केवल गुरुदेव हमारे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ऐसा जान करके आते थे प्रवचन सुनने के लिए, तो गुरुदेव श्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, पहले तुम दिगंबर हो, ये नहीं। कोई बात नहीं, समझे ते शिष्य, समझे तो शिष्य हो,
शिष्य बने तो समझे ये नहीं, कब बताई थी ये बात, समझे वो कबीरपंथी और वेदांतियों की जो चर्चा हुई कॉलेज में, गुरुदेव श्री ने नहीं, कहीं बात नहीं, कहीं बात नहीं, तुम भी पर्युषण मनाओ, तुम भी मनाओ। 8 दिन का पर्युषण मनने लगा और दिगंबर जैन मंदिर था तो 10 दिन का जिन जिन जिनको कन्वर्ट होने का भाव आया थानक में से, दिगंबर तो अभी आए ही नहीं, वे लोग 18 दिन का मनाने लगे। इस तरह से 18 दिन का पर्युषण शुरू हो गया। जिनको 8 दिन तक वैसे करना है वैसे करो, 10 दिन में भगवान की पूजा भक्ति करके करना है वैसे करो, लेकिन सुनने को तो एक भगवान आत्मा, एक समय सार जी, एक दिगंबर शास्त्र ही मिलेगा, दूसरा नहीं। इस तरह से दोनों पर्युषण प्रारंभ हुए। बाद में मालूम ही नहीं पड़ा कि वो पहला पर्युषण कब खत्म हो गया। 8 दिन वाला आखिर वो 10 दिन वाला पर्युषण रह गया और आज तक चल रहा है। इसी तरह से आगे चलते चलते गुरुदेव श्री को बहुत भाव था कि ये समय सार जी अभी हिंदी में है, ढूंढारी भाषा में है, इसलिए इस हिंदी का गुजराती अनुवाद आना चाहिए। देखो अभी मंदिर बने बने कितने दिन हुए हैं, अभी तो बना है अभी, लेकिन चंपा बहन श्री के भाई हिम्मत भाई, महाभाग से गुरुदेव को जो जो चाहिए सब मिले, कुछ कम नहीं रहा। सेठ चाहिए तो सेठ मिले, जगह देने वाले चाहिए थे वो मिले, और अब हिम्मत भाई मिले। हालांकि हिम्मत भाई इनका परिचय देने जैसा है, हिम्मत भाई जी और बजू भाई, ये दो भाई सगे भाई, इनकी बहन का नाम चंपा बहन, बाकी कहानी तो वही जो चंपा बहन की माता पिता जैसी बात हुई है। हिम्मत भाई चंपा बहन श्री से 6 साल बड़े और इनसे बड़े थे बजू भाई। इन दोनों के संक्षेप में परिचय मैं दे देता हूं। हिम्मत भाई ये सर्विस करते थे, शिक्षक थे, है ना, इनके बोर्डिंग में भी इन्होंने सोनगढ़ में रहते हुए भी पढ़ाया, जो बोर्डिंग में छोटे बाबू भाई, रजनी भाई, सुशीला श्री के भाई रजनी भाई, ऐसे और भी कई विद्यार्थी जो वहां पढ़ते थे उनके शिष्य रहे, सभी उनकी प्रशंसा करते थे। एक योग्य शिक्षक, बढ़िया टीचर, समझाने में मास्टर, साइंस और मैथ लड़कों पर अच्छा कमांड, और साइंस और मैथ ऐसा पढ़ावे कि भाई विद्यार्थी पढ़े और न याद हो जावे, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े उस जमाने में वो। इतने अच्छे शिक्षक और संस्कृत की मास्टरी। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि तुम ये काम करो, इसका गुजराती अनुवाद कर दो, संस्कृत से गुजराती, हिंदी संस्कृत टीका से गुजराती अनुवाद। तो उन्होंने ये काम लिया। इस तरह से गुरुदेव को उन पर बहुत प्रेम था, हिम्मत भाई बहुत सीधे, बहुत अच्छे मधुर व्यवहार और बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। खास तौर से हम आज उनको इसलिए बहुत ज्यादा याद करते हैं कि गुरुदेव श्री को पंच परमागम का ट्रांसलेशन चाहिए था गुजराती में। 4 तक तो सरल था, सरल था, हालांकि सरल मत समझो आप, लेकिन अष्टपाहुड़ के प्रति गुरुदेव को बहुत भाव था, क्योंकि अष्टपाहुड़ तो दिगंबर मुनिराजों का जैसे साक्षात जीवन है उसमें। तो गुरुदेव श्री को यह लगे कि अष्टपाहुड़ का करो, तो हिम्मत भाई ने बरसों नहीं कर पाए। वे बोले, साहेब 4 परमागम की तो टीका मिलती है संस्कृत में, इसलिए मैंने संस्कृत से गुजराती कर दी, लेकिन अष्टपाहुड़ की टीका नहीं मिलती है तो मैं गुजराती अनुवाद कैसे करूं। ये उनकी बात सच्ची थी, जो टीका होवे तो आप संस्कृत से गुजराती में ट्रांसलेट कर लो, लेकिन जब टीका ही नहीं होवे, मूल गाथा होवे तो क्या करो। लेकिन रामजी भाई और गुरुदेव श्री के बारंबार कहने पर, ताकत लगा करके, मेहनत करके, आखिरकार उसकी गुजराती भी उन्होंने की। ये पंच परमागम का उपकार के लिए वर्तमान में मैं नहीं समझता हूं कि इतना बढ़िया काम गुजराती समाज में थानकवासी होते हुए कोई कर सकता था, मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई इतनी ताकत थी। ये हिम्मत भाई का उपकार रहा, इसलिए गुरुदेव श्री को पूरे जीवन हिम्मत भाई पे बहुत प्रेम रहा। जब कभी कोई प्रवचन में कोई बात नहीं आवे संस्कृत की, तो हिम्मत भाई को बुलावे, उनको पूछे, भाई इसका क्या अर्थ है, इसे पूछते, बहुत आदर थे, बहुत ही। इन्होंने समोसरण स्तुति इतनी जोरदार लिखी, सरस, समय सार जी की स्तुति जो हम पढ़ते हैं, संसारी जीवना, और गुरुदेव की स्तुति, ये तो उनकी अमर कृतियां बन गई, अमर कृतियां। ये समझ लो कि इनके द्वारा शायद ही आज मोक्ष मंडल में कहीं समय सार जी का प्रवचन होता हो और समय सार जी की स्तुति नहीं होती हो। ख्याल में आ रहा है कुछ?
माने इस तरह से सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं, इस तरह से उनकी बहुत अविस्मरणीय रचनाएं बनी, उनका व्यक्तित्व अच्छा था। बाकी चर्चाएं जो आएंगी वो हम समय समय पर बताएंगे। इनका छोटा सा परिचय, बज्जू भाई का परिचय भी चूंकि बार बार तो आना नहीं है इसलिए अभी बता देता हूं शॉर्ट में जो मेरे पास उपलब्ध है। बज्जू भाई सबसे बड़े भाई थे, उस जमाने के फर्स्ट क्लास इंजीनियर सन 1930-35 के लगभग, 35 के लगभग फर्स्ट क्लास इंजीनियर, इंटेलिजेंट इंजीनियर होते हुए इनको बडवान, भावनगर आदि, सूरत ये नौकरी करनी पड़ी। लेकिन इनकी इंटेलिजेंसी और इनका प्रभाव इतना रहा कि वहां के राजघरानों में इनका सम्मान रहा, राजघरानों में इनका आना जाना हुआ, राजदरबार चला करते थे उस जमाने में छोटे छोटे, राजा स्टेट रहती थी राजाओं की, उनका आना जाना, उनका परिचय, इस तरह ये साम्राज्य चलाने में होशियार हो गए। साम्राज्य कैसे जीतना, साम्राज्य कैसे बढ़ाना, साम्राज्य में कैसे, माने एक हिसाब से कहें तो उस जमाने के चाणक्य, माने चाणक्य जैसे होशियार कूटनीति में, माने कैसे काम निकालना ये वो उनसे पूछे। तो इस तरह राज दरबार में भी उनका अच्छा सम्मान बना रहता था और ये अनुभव भविष्य में सोनगढ़ संभालने में काम आए। जब उनकी नौकरी की पूरी हो गई, रिटायर हो गए, तो सोनगढ़ आए और आखिरकार पूरा साम्राज्य सोनगढ़ का भी उन्होंने संचालित किया, उनके अनुभवों का लाभ मिला। और वर्तमान में उनके दो पुत्र प्रवीण भाई और जितेन भाई, जितेन भाई तो बॉम्बे रहते हैं और प्रवीण भाई भावनगर रहते थे, बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन वे अभी शांत हो गए हैं, लेकिन उनका परिवार वहां रहता है, जितेन भाई यहां हैं। और अभी वर्तमान में अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए वे सोनगढ़ के ट्रस्टी हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और सोनगढ़ की व्यवस्थाएं चलाते हैं। मैं खास तौर से इसलिए याद कर रहा हूं आज के दिन में इन सबको कि बीच में जो थोड़ी सी पाप के उदय की आंधी आई थी वो ये जितेन भाई, हिम्मत भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई, मुकुंद भाई खारा, इन सब के प्रयत्नों से और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन से, भावनाओं से और हम सबके पुण्य के उदय से जो थोड़ा सा भी यदि कुछ हुआ था तो उसे समाप्त करने के लिए ये जितेन भाई, हिम्मत भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, ये सब और भी हो सकते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम हो, वहां के जो भी ट्रस्टीगण हो, मेरे को नाम ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इन सबको हम आभार मानते हैं आज के दिन। मैं तो कहता हूं हम सबको ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए या एक बार हम फिर गुरुदेव श्री के एक जैसे शिष्य, प्रेम भाव का वातावरण बना और आज फिर हम लोगों में एक नया प्रेम उत्पन्न हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी है, मैंने ऐसे नए नए नवयुवक यदि संभालें और हम सब प्रेम से मिलकर रहें तो हमारे गुरुदेव का नाम कभी भी कलंकित नहीं हो सकता, बैन श्री का पवित्र जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने इस भगवान आत्मा के द्वारा सारे जगत के जीवों को एक करने का मार्ग दिखाया था। लोग हम पर शंका करने लगे थे कि ऐसे कैसे गुरुदेव कि जिनके जाते से ही टुकड़े हुए, ग्रुपिंग हुई, लेकिन आज हमने इस बात का जवाब दे दिया है कि पाप के उदय में भरत चक्रवर्ती के, आदिनाथ भगवान के दो पुत्र भरत और बाहुबली में चक्र चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रेम कायम रह सकता है। आदिनाथ भगवान के समय में उनके ही घर का मारीची थोड़ा बहुत कर सकता है, ऐसे ही हमारे पाप के नियोग से कुछ हुआ होगा, लेकिन हम सबके मन पवित्र हैं, हम सब एक हैं, हम सबके पुराण पुरुष एक, आदर्श एक और दृष्टि का दृष्टि एक, ज्ञायक भगवान आत्मा एक, इसलिए मैं इन सब की प्रशंसा और स्मरण मैंने किया है। बाकी चर्चा समय आने पर और बताएंगे। इस तरह से 1999 में सबसे पहले इस समय सार जी, 1997 में, गलत बोल गया मैं, 1999 समय सार जी का गुजराती अनुवाद पंडित हिम्मत भाई जी ने 1997 में, संबत 1997 और सन के हिसाब से कहो तो 1941 में पूरा किया। अब आइए 1998 सन 1942 श्रावण बदी एकम मंगलवार 28 जुलाई 1942 वीर शासन जयंती का दिन जेठ बदी एकम यानी श्रावण बदी, आपके यहां श्रावण बदी एकम हो जाती है ना, तो उस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खेलने का दिन था, उस दिन से दिव्य ध्वनि का सारभूत, गुरुदेव श्री बार बार कहते थे दिव्य ध्वनि का सार,
ऐसे प्रवचन सार जी के मंगल प्रवचन प्रारंभ सोनगढ़ में पहली बार हुए। बैसाख बदी छठ बुधवार 6 मई 1942 के दिन समव शरण की प्रतिष्ठा हुई। यह दूसरी प्रतिष्ठा हुई समव शरण की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा। इसमें नारायण भाई और चंदू भाई संघ भी की तरफ से कराई गई। भक्ति के समय सीमंदर भगवान का जो मान स्तंभ बना वो समव शरण, उसमें भक्ति के समय गुरुदेव श्री के आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी भक्ति हुई जोरदार, 2000 लोग आए इस समय। देखो इस समय कहानी तो डिटेल में बतानी चाहिए, लेकिन अब हम थोड़ा सेंसर कर रहे हैं, जानकारी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो रे रेस रे श्रीमंदर नाथ ना बिरह पड़ा आकाल मां, ये भक्ति हुई तो गुरुदेव श्री के तो आंखों से रे श्रीमंदर नाथ ना बिरह पड़ा आकाल मां। पूरा नहीं सुना रहा हूं सेंसर, इतने में ही समझ जाओगी जब सीमंदर भगवान का विरह पड़ा तो सुन करके क्या हुआ हो। हैं गुरुदेव तो बालकों जैसे थे, बालकों जैसे, यानी इमोशनल बहुत थे, जरा कोई बात आवे दृढ़ता में लोखंडी जैसे लोहा जैसे दृढ़ता में, लेकिन भावनाओं में इतने कोमल कि जरा में आंखों में आंसू आ जावे। हैं इस तरह से अभी इसी समय ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। ये शिक्षण प्रशिक्षण नहीं, ग्रीष्मकालीन गर्मियों की छुट्टियों में देखो तैयारी शुरू हो गई। अब देखो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, नवयुवक आ सकते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। और इसके पहले भी 1997 में भी एक लाइन छूट गई मेरी, जुलाई के बरसात के दिनों में, जुलाई में 20 दिन की धार्मिक शिक्षण कक्षा प्रारंभ की गई थी उस जमाने में, जिसमें 8 बरस से लेकर 90 बरस तक के विद्यार्थी आए। ए अभी दिगंबर नहीं आए हो, अभी थे थानकवासी 8 बरस के और थानकवासी 90 बरस के। ए इस तरह से दो काम शुरू हुए जुलाई का और गर्मी की छुट्टियों में, लोग सदुपयोग करें गर्मियों की छुट्टियों के, बच्चे लोग आकर के, इसलिए एक शिक्षण प्रारंभ शुरू किए गए। बोलो इस तरह से आगे आगे बढ़ते बढ़ते भादो सुदी पंचमी पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए। इसमें पर्युषण पर्व में भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने लगे थे, पर्युषण में, पर्युषण भादो सुदी में, तो जैन नविकों को तत्व ज्ञान का अभ्यास कराने के लिए एक सनातन जैन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई। जितने कुंवारे बच्चे हैं, लड़के हैं, नवयुवक हैं, इनको ब्रह्मचर्य आश्रम की, सनातन जैन ब्रह्मचर्य आश्रम, उसकी स्थापना की गई। उसमें 3 बरस का अभ्यास क्रम रखा गया, विद्यार्थी लगातार 3 बरस रहे या आए तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई। उसमें 3 घंटे रोज पढ़ाई होती थी, 3 बरस का सिलेबस बनाया, पहली बार सिलेबस बनाया, ये पढ़ाना है इनको हमें, द्रव गुण पर्याय सिद्धांत प्रवेश का आदि आदि, इस तरह से पूरी सिलेबस बनाया। और फिर इसके बाद उसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई हीराचंद जी मास्टर साहब को, जो पोलारपुर में शिक्षक थे, ये आए रिटायर होने के बाद और पढ़ाते थे 3 घंटे रोज। और इन्हीं की लड़की, इनकी दीकरी ब्रह्मचारिणी कांताबेन, मास्टर कांताबेन, ये भी मास्टर थी और अभी जीवित हैं, मास्टर कांताबेन अभी जीवित हैं, वो बालिकाओं को पढ़ाती थी, लड़कियों को पढ़ाती थी बालिकाओं को, और वो लड़कों को। यहां एक बात याद दिलाऊं, हालांकि बाद में बताऊं हमें कि गुरुदेव श्री की यह परिपाटी रही कि बहनों को बहन पढ़ावे, भाइयों को भाई पढ़ावे। ये मैं सोचता हूं हिंदुस्तान में बहुत इन्हें गुने ही ऐसे आदर्श होंगे, इन्हें गिने, और अभी तो मुझे लगता नहीं। एक गुरुदेव का आदर्श ऐसा उस जमाने में हो, अभी दिगंबर तो आए ही नहीं है। मैं बार बार क्यों याद दिलाता हूं कि इतनी बात तो पहले से हो रही थी। गुरुदेव श्री की सख्त निर्देश था बहनों को बहन पढ़ावे, भाइयों को भाई पढ़ावे। जैसे शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों, गर्मियों के शिविरों, श्रावण के शिविर चले, श्रावण की, तो सबको बड़ी जिज्ञासा होती थी कि हम डॉक्टर साहब की शिविर सुने, डॉक्टर साहब की कक्षा सुने। बहनों को ऐसा लगता था, ब्रह्मचारिणी बहनों को, कि हम डॉक्टर साहब की कक्षा सुने, लालू भाई की कक्षा सुने, चिमन भाई की कक्षा सुने। गुरुदेव श्री सख्त, चाहे तुम बिना ज्ञान के रह जाओ, कम ज्ञान के रह जाओ, लेकिन सील की मर्यादा मत तोड़ो। क्या कहते हैं, चाहे कम ज्ञान के रह जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं आवे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सील की मर्यादा मत छोड़ो। बोला
तब से सत्य नियम। तो कुछ बहने सभा में तो नहीं बैठती ऐसी, लेकिन ओसरी में बैठ जा रही पीछे इसी बाहर। तो गुरुदेव को खबर पड़ गई, तो गुरुदेव बहनों को तो बोलते ही नहीं थे। राम जी भाई को बोला कि कक्षा खत्म कर दो, हमें नहीं करना। हो गई वो तो कक्षा, हो गई, हमें नहीं करवाना। बोल दो चंपा बहन शांता बहन को जाके कि अपनी दीकरियों को रखो संभाल के। ऐसे कड़क गुरुदेव, बहुत कड़क। बोल अपनी अपनी छोकरी को रख लो, हमें नहीं पढ़वाना, हमें नहीं। इतना कड़क गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव श्री की जब शाम की चर्चा होती थी, शाम की चर्चा, तो एक भी ब्रह्मचारिणी बहन नहीं आ सकती थी। केवल 6:30 बजे भक्ति करने के बाद जिनेन्द्र देव की सारी बहनें वापस चली जाती थी, बाहर नहीं रह सकती थी, आ नहीं सकती थी। महिलाएं गुरुदेव की चर्चा में नहीं आ सकती शाम को। कक्षाओं में बैठने का मैंने भी अपनी आंखों से देखा, कक्षाओं में बैठने का नियम नहीं रहा। बोलो गुरुदेव को कितनी मर्यादाओं का ख्याल। ये बहन से प्रक्षाल कराता है, स्त्रियों से प्रक्षाल कराता है। गुरुदेव खले हवाला दिया कि नग्न प्रतिमाओं को नहीं छू सकते। दिगंबर शास्त्र में भी आता है, तत्पर सूत्र में आता है, स्त्री होकर के पुरुष की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है पुरुष की, इसको नहीं अड़ सकते। अभिषेक नहीं करने दिया। भले खुद को करना पड़े हो, अपने को तो ऐसा लगे अपनी क्या गलती है, पंडित बोलता है होगा आगम में कहीं, अपने क्या करना। ऐसे नहीं, ढीलना नहीं चलेगा, क्योंकि 18,000 सील के दोष में ये दोष आता है। तो गुरुदेव को इतनी कड़काई। खैर इस तरह से एक कक्षाएं प्रारंभ हुई। तो बहनों को बहन पढ़ाती थी और भाइयों को भाई पढ़ाते थे। इसके बाद 1999 संवत 1999 और सन के हिसाब से कहो तो 1943 राजकोट में 9 महीने गुरुदेव श्री रहे। और इसी समय ब्रह्मचारी हरि भाई पहली बार आए, क्योंकि संवत अभी आगे आएगी बात। ब्रह्मचारी हरि भाई इस बार पहली बार आए इधर और बहनों को मिले। गुरुदेव विलक्षण बुद्धि, राइटिंग एकदम मोतियों जैसी, पकड़ अच्छी। तो सभी लोगों को इतना प्रमोद आया कि ये भाई यहां रह जावे तो अच्छा है, ये भाई यहां रह जावे तो अच्छा है। क्योंकि गुरुदेव को भी देख के प्रमोद आवे, नया नया कोई नवयुवक आवे ब्रह्मचारी होवे तो बड़ा हर्ष आवे, और राइटिंग अच्छी, पकड़ अच्छी। तो बहन श्री उनको बहुत प्रेरणा करी, तुम लिखना सीखो, लिखना सीखो, गुरुदेव का प्रवचन पूरा लिखना सीखो। बाद में इनको आत्मधर्म का संपादक बनाया गया बाद में। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत मार्मिक क्षण की। देखो ये दोनों बहन और गुरुदेव श्री मात्र आत्म कल्याण ही नहीं कर रहे थे, इनकी करुणा बरस रही थी। शिविर शुरू करा लिए, कक्षा शिविर शुरू करा लिए, मंदिर बन गए, समोसरण बन गया, प्रतिष्ठा हो गई दो दो। और अभी इनको एक भाव था कि ये सब चीज सब लोगों के पास कैसे जाबे, लिखने वाला कोई है नहीं, पढ़ने वाला कोई है नहीं। तो 9 महीने गुरुदेव के प्रवचन चले राजकोट में। तो दोनों बहनों ने ड्यूटी बांधी कि आधा घंटा हम लिखेंगे, आधा घंटा तुम लिखो। और गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता था और दोनों बहन क्रम क्रम से आधा आधा घंटा, पहले चंपा बहन लिखें फिर शांता बहन लिखें, आधा आधा घंटा। और उस कॉपी के प्रवचनों को इकट्ठा करते 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 सबसे पहले समय सार प्रवचन छपकर सामने आए। कौन से सन में? 1943। कितना भाव अंदर में, सोच सकते हो? अपने को ऐसा आता भाव आता है अपन जो प्रवचन अच्छा आ रहा है तो लिख लिख करके पहुंचाए। समय सार प्रवचन के 6 भाग छपे गुजराती में, बाद में शायद 3 या 6 पूरे के पूरे, मेरे ख्याल से तो 3 का मुझे ख्याल है, हो सकता है 6 ही छपे हों। हिंदी में उनका ट्रांसलेशन हुआ, गुजराती का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, वे भी छपे। दोनों बहनें लिखती थी। आप समझ लेना कि अंदर में कितना समर्पण, कितना भक्ति, कितनी अर्पणता जैन शासन के प्रति इनको रही होगी, है ना। आगे इसी समय एक घटना घटी सुरेंद्र नगर की 1999 में, संवत 1999 में, कि गुरुदेव श्री का विरोध अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। देरावासी साधु और थानकवासी साधु, मैं नाम बताता हूं, पूनम चंद जी महाराज स्थानकवासी साधु
और राम विजय सूरी महाराज, ये देराबासी, ये दोनों घोर विरोधी, और दोनों विरोधियों ने जहां जहां इनका राजकोट वगैरह चलने लगा प्रोग्राम, और गुरुदेव का बिहार होने वाला था, बिहार 1999 में लीमड़ी, नाम बताता हूं अभी, हाँ सारे, तो दोनों ओर से इन्होंने ठान लिया कि ये कहां जाएंगे, हम वहां पीछे पीछे जाएंगे, जहां जहां ये जाएंगे वहां पीछे पीछे जाएंगे, इनका विरोध करेंगे, क्योंकि इनको पच नहीं रही थी ये बात। अभी ऐसा करते करते रामजी भाई को बिहार में 2400 घंटे पहरा देना पड़ रहा था, गुरुदेव को कुछ हो नहीं जाए, कोई छू नहीं लेवे, कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं अरे लोगों का क्या है, कोई पत्थर मार दे तो कुछ हो जाए, तो 24 घंटे कई स्थानों पर तो पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा। मैं बताता हूं आपको, ये दोनों साधु झालावाड़ लीमड़ी, ये सौराष्ट्र के नगर है, झालावाड़ लीमड़ी बोटाद दामनगर और बीछिया में इन्होंने घोर विरोध किया, अमरेली बटबांड इस स्थान पर घोर विरोध किया इन लोगों ने। रात में प्रेमचंद भाई और दिन में रामजी भाई दोषी, ये दो भाई प्रेमचंद भाई और रात में दिन में रामजी भाई दोषी, ये दोनों पहरा देते गुरुदेव को बिल्कुल 24 घंटे। भाई साहब इसलिए कह रहा हूं, देखो आपको ये चीज कैसी मिली है, कैसे आई है आप तक है? कौन कीमत करे न कौन, अब बताओ ऐसे जीव यदि भाभी भगवान हो तो कौन आश्चर्य है, जिनके हृदय में इतनी करुणा हो कि ये झंझन में पहुंचे कैसे भी पहुंचे। अरे आप लिख के तो देखो आधा घंटा कंटिन्यू, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग तो करके देखो, जरा उसका संपादन करके तो देखो है, ऐसे घोर मेहनत तो और परिश्रम के बाद हम तक ये बात आई है। हम तो क्या कहें, ये जीवन तो गुरुदेव के सिवाय अब कहीं जा सकता ही नहीं, प्राण जाए तो भले ही चला जाए, ऐसी बात है, है? इस तरह चलते चलते सुरेंद्र नगर में आए गुरुदेव, वहां पर तो भक्तों ने बीचों बीच घेरा, भक्तों ने बीचों बीच, उसके बाहर पुलिस का पहरा और एक पांडाल में देरावासी साधु, एक तरफ थानेवासी साधु, इतना विरोध कि कुछ हो ना जाए। लेकिन सुरेंद्र नगर में गुरुदेव का जोरदार स्वागत। मुझे एक बात और बतानी है, देखो मेरे पास एक बात आई थी, लोग ऐसा कह रहे थे कि गुरुदेव श्री हमारे हिंदी प्रांत में भाग के क्यों नहीं आ गए हमारे हिंदी क्षेत्र में आ जाते। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये स्थानक वासियों के मां पुण्य के योग से एक गुरुदेव इतना संकट उठा करके भी वहां विचरण कर रहे थे। दिगंबरों को तो दिगंबर धर्म थोड़ी देना था, उनके पास तो है ही है, उन्हें तो इन पर करुणा थी कि जिन लोगों ने मेरे को 23 वर्ष तक साधु समय में किया है, इनका कल्याण कैसे हो गए, इन्हें कैसे मिले। तो इतना संकट उठा करके भी गांव 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 और गुरुदेव विहार करने लगे, वहां विहार करने लगे संकटों में, कहां संकटों में, और गुरुदेव निर्भय, जो हो तो हो जाए, दे छूटे तो छूट जाए, अपने तो विहार करना है, ये विहार किया उन्होंने। मैंने कितना संकट उठा करके विहार किया, बोलो ये लाठी वाले बताते हैं, जयंती भाई बैठे ने, कि हमको वहां पे लाए हम लाठी में, तो उसके पहले दामनगर से लाना था, दामनगर में तो था ना वो सेठ दामोदर भाई, तो वहां तो एक भाई था, केवल एक भाई, वो भी अजैन, नॉन जैन, अजैन स्थानकवासी नहीं। उसने गुरुदेव को बुलाया तो गुरुदेव श्री ये जानते हुए कि यहां पर कट्टर विरोध है, सेठ दामोदर का राज है, पूरे विरोधी हैं ठेठ, केवल एक अजैन व्यक्ति ने मुझे बुलाया, और गुरुदेव बोले हाँ आऊंगा आऊंगा, क्या गुरुदेव को देखो आऊंगा और गुरुदेव श्री उस अकेले व्यक्ति के आमंत्रण पर उसके घर पहुंच गए। इधर लाठी वालों को भाव आया कि गुरुदेव को अपने गांव लाना चाहिए, सर लेने का भाव आया, बुलाने का, सब तैयारियां हो गई। तो ये स्थानक वासी यहां से लाठी से उन्हें लेने पहुंचे और गुरुदेव को लेकर निकलने लगे, तो सेठ दामोदर के स्थानक वासी नवयुवक सब लाठियां लेके पत्थर लेके आ गए, चार छह कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी भाई, इनकी पिटाई कर दी वहां। गुरुदेव को किसी तरह बचाया, पुलिस को बुलाया, तब पुलिस ने फिर तो धमकी दी पुलिस ने, तुमको नहीं सुनना है तो मत सुनो,
तुम्हें नहीं करना है मत करो, लेकिन तुम किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। अंग्रेजों का शासन था स्ट्रिक्ट, कोई बात नहीं। इनकी यहां की जो घटना घटी वो अंग्रेज के शासन निकल चुका होगा उस समय तक। कहने का मतलब है, अब तब लेकर आए वहां लाठी में, तो लाठी के स्थानकवासी सारे विरोध में खड़े हो गए, हम प्रवेश नहीं करने देंगे लाठी में। राजा को जाके बोल दिया कि राजा साहेब आप इनको मना कर दो कि ये नहीं आ सके गुरुदेव, ये हमारा साधु भ्रष्ट होके आया है, ये जैन धर्म का विरोधी है, इसको मत आने दो, ऐसा बोल दिया। तो राजा ठीक है अपने क्या करना है, ठीक है बोल देंगे। तो इन लोगों को चिंता हुई कि अभी गुरुदेव नहीं आवे तो अपनी पूरी दिक्कत हो जाएगी। तो एक डॉक्टर थे वहां पर, डॉक्टर, उनका राजा से अच्छा संबंध, इन्होंने उन डॉक्टर को बोला कि भाई तुमको राजा साहब को मनाना है। तो वो इंटेलिजेंट थे डॉक्टर, था एजुकेटेड, पढ़े लिखे, राजा साहब के से अच्छे संबंध थे, घरेलू डॉक्टर थे ना उनके, राजा के। तो गए इस राजा साहेब, हमने सुना है कि आप कांजी स्वामी को लाठी में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। बोले हाँ, वो विरोधी हो गया है ना जैनियों का, झूठा सच्चा उपदेश करता है ऐसे। तो वे बोले साहेब ऐसा नहीं है, आप तो एक काम करो कि आप प्रवेश पर पाबंदी मत लगाओ, इस राज में व्यक्ति को बोले जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो सुवाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो।